हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। वैसे तो कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, और हम फिल्मों में भी कई सारी फेरी टेल लव स्टोरीज भी देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज काफी डार्क साइड सभी से छिपा कर रखते हैं। बी टाउन यानी कि बॉलीवुड अगली डिवोर्सेस और हार्ट ब्रेक्स के लिए जाना जाता है। ऐसे में सेलिब्रिटीज जिनकी लव स्टोरी फिल्मों में तो काफी अच्छे से एंड होती है, लेकिन रियल लाइफ में काफी अगली तरीके से खत्म होती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे डिवोर्सेस के बारे में जिससे ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया हिल गई थी। आमिर खान और रीना दत्ता। आमिर खान और रीना दत्ता का डिवोर्स सभी के लिए काफी शॉकिंग था। आमिर खान और रीना दत्ता ने शादी के 16 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन लिया था। फरहान अख्तर एंड अधूना भवानी। फरहान अख्तर और अधूना भवानी एक दूसरे से 1999 में मिले थे और 2000 में उन दोनों की शादी हो गई थी। दोनों शाकिया अख्तर और अकीरा अख्तर जैसे दो बेटियों के माता पिता हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं था, जिसके चलते वो 2016 में एक दूसरे से डिवोर्स करके अलग हो गए। सुजैन खान और ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कपल माने जाने वाले ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक दूसरे से प्यार में पड़े और 2000 में दोनों की शादी हो गई। सुजैन और ऋतिक ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया, तब ये बात सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग थी और ये बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डिवोर्सेज में से एक मानी जाती है। 14 साल साथ रहने के बाद ऋतिक रोशन और सुजैन खान 2015 में ऑफिशियली अलग हो गए। इन दोनों के दो बेटे हैं, रेहान और रिदान, जिन्हें वो को पेरेंट करते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह। अमृता सिंह और सैफ अली खान का डिवोर्स कई सारे फैंस का दिल तोड़ देने वाली बात थी। दोनों ने 13 साल की शादी के बाद एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन लिया। मलाइका अरोरा और अरबाज खान। बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले मलाइका अरोरा और अरबाज खान ने इसी नाम से एक शो किया था। तब किसी को पता नहीं था कि इन दोनों का इस कदर ब्रेकअप हो जाएगा कि ये कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इन दोनों के इस शो के बाद डिवोर्स की खबरें सामने आने लगी। 18 साल शादी के बाद जब ये खबर सभी ने सुनी कि मलाइका अरोरा और अरबाज खान एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और डिवोर्स ले रहे हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मलाइका और अरबाज एक एड शूट के दौरान मिले और वहीं पे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने 1998 में शादी की और उन्हें 2002 में एक बेटा अरहान हुआ। डिवोर्स के बाद भी दोनों का एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है और वो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए हैं। मलाइका जहाँ अर्जुन को डेट कर रही हैं, तो वहीं अरबाज खान जॉर्जिया अंद्रियानी को डेट कर रहे हैं। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी करके अपना घर बसा रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये शादी टूट जाएगी। दोनों के दो बच्चे हैं, समायरा कपूर और कियान राज कपूर। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार में थे, लेकिन फिर वो अलग हो गए। वजह थी संजय का बिहेवियर। दोनों को 2016 में डिवोर्स ग्रांट की गई थी। अर्जुन रामपाल और मेहर जसिया। अर्जुन रामपाल और मेहर जसिया ने एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म करने का डिसीजन जब सभी के सामने एक जॉइंट स्टेटमेंट में रिलीज किया, तब सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। रिपोर्ट की माने तो अर्जुन ने अपना बैग पैक किया और दोनों जिस रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे वहां से निकल गए। दरअसल इन दोनों के बीच की दूरियां तब आनी शुरू हो गई जब 2011 में शाहरुख खान से अर्जुन कपूर के फेवर्स कम हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने शाहरुख खान को कुछ चीजें भेजी थी क्योंकि वो रावण के पार्ट बनना चाहते थे। वहीं मेहर चाहती थी कि उनके हस्बैंड को और भी ज्यादा रेम्यूनरेशन मिले। तो ये वजह काफी शॉकिंग थी, जिसके चलते अर्जुन रामपाल और उनकी वाइफ का डिवोर्स हुआ था। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे कपल जिनके डिवोर्स से सभी ज्यादा हैरान हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।